दिलीप ट्रॉफी 2024 का आगाज 5 सितंबर से हो जाएगा। उसके लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। लगभग 60 खिलाड़ियों को मौका मिला है दिलीप ट्रॉफी में पार्ट लेने का। लेकिन जब स्क्वाड आया तो लोग बहुत ज्यादा भड़क गए। सोशल मीडिया पर लोग बीसीसीआई को ताने मारने लग गए क्योंकि बीसीसीआई ने इन 5 खिलाड़ियों के साथ अन्याय करा है। कौन है वो 5 खिलाड़ी, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन स्पोर्ट्स में, मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। 5 तारीख से एक मेगा टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा। पिछले साल तक दिलीप ट्रॉफी को मेगा टूर्नामेंट नहीं माना जाता था क्योंकि इतने बड़े सितारे उसमें पार्ट नहीं लेते थे। लेकिन इस बार ये मेगा टूर्नामेंट है क्योंकि आपको हर सितारा जो आपने आईपीएल में देखा हो या जो आपने कहीं पर भी देखा हो खेलता हुआ, वो आपको यहां नजर आएगा। हर किसी को मौका मिला है। ऋषभ पंत, केएल राहुल, शिवम दुबे, चाहे वो यंगस्टर्स हों, हर यंगस्टर और हर एक्सपीरियंस खिलाड़ी को मौका मिला है। जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन तीनों को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी टीम में आपको शामिल दिखाई पड़ेंगे। सभी प्लेयर्स को 4 के ग्रुप में डिवाइड करा गया है। एक के कप्तान शुभमन गिल है, दूसरे के अभिमन्यु ईश्वरन है, तीसरे के ऋतुराज गायकवाड़ और चौथे के श्रेयस अय्यर है। तो सभी खिलाड़ी आपको यहाँ पर रंग जमाते हुए नजर आएंगे। लेकिन बीसीसीआई ने इन 5 खिलाड़ियों को ऐसे नजरअंदाज किया है जैसे इन्होंने कभी इंडियन क्रिकेट टीम के लिए कुछ करा ही नहीं हो। पहला खिलाड़ी है संजू सैमसन। संजू सैमसन आप जानते हैं कि कभी भी टीम इंडिया में एकदम टिककर नहीं खेलते, अंदर बाहर इनका चलता रहता है। वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप 2024 के स्क्वाड में इनको रखा गया था। एक मैच इनको खिलाया था, बांग्लादेश के खिलाफ वार्म अप मैच खिलाया था, ओपन इनसे करवाया था और ओपनिंग में पूरी तरीके से फेल साबित हुए थे। उसके बाद संजू को मौका नहीं दिया गया। उसके बाद दूसरे खिलाड़ी है रिंकू सिंह। रिंकू सिंह को ट्रेवल रिजर्व के तौर पर टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत ने न्यूयॉर्क लेके गई थी भारत, बट रिंकू सिंह को खेलने का मौका नहीं मिला और वहां पर रिंकू सिंह खाली तालियां बजाते हुए रह गए। हालांकि 2023 में इन्होंने अपना टी20 में डेब्यू किया था और डेब्यू के दौरान ये छा गए थे, अपनी छाप इन्होंने छोड़ी थी अफगानिस्तान सीरीज में। रोहित शर्मा के साथ गजब की इन्होंने पार्टनरशिप करी थी। अब तीसरे खिलाड़ी है पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ को आपने बहुत कम देखा होगा। पृथ्वी शॉ लगभग विवादों से घिरे हुए रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस खिलाड़ी में टैलेंट नहीं है। इस खिलाड़ी में बहुत टैलेंट है। इस वक्त वो इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं और वहाँ पर कमाल कर रहे हैं, यानी डोमेस्टिक क्रिकेट वो ऑलरेडी खेल चुके हैं। अगर दिलीप ट्रॉफी खेलते तो ऑब्वियसली यहाँ पर उनका एक्सपीरियंस मैटर करता, तो इनको भी नज़रअंदाज बीसीसीआई ने कर दिया है। चौथे खिलाड़ी हैं अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा IPL 2024 में ट्रेविस हेड के साथ मिलकर तूफानी पारी इन्होंने खेली थी। लगभग 150 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से, 170 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने IPL 2024 में अपनी पारियों को अंजाम दिया था। उसके बाद जिम्बाब्वे दौरे में भी इनको मौका मिला था, वहां पर जिस तरीके से इन्होंने शतक लगाया था वो बेहतरीन था। लगा था उसके बाद इनको लगातार मौके मिलेंगे, रेगुलर इनको बीसीसीआई मौके देगी, लेकिन ऐसा बीसीसीआई ने नहीं करा। अभिषेक शर्मा का नाम भी पूरी लिस्ट में नहीं है। अब जो पांचवा और आखिरी नाम है वो थोड़ा सा शॉकिंग जरूर है, रवि बिश्नोई का। रवि बिश्नोई ने लगातार इंप्रेस करा। आपको जिम्बाब्वे दौरा याद होगा, जिम्बाब्वे दौरे में रवि बिश्नोई ने अच्छी खासी गेंदबाजी करी थी। टीम इंडिया के लेग स्पिनर हैं और गजब की गेंदबाजी करते हैं। अगर आप टीम इंडिया के लेग स्पिनर को टीम से बाहर निकाल रहे हैं तो फिर क्या ही बोले। तो ऑब्वियसली फैंस को गुस्सा आएगा ही आएगा। तो ये 5 खिलाड़ी ऐसे थे जिनको टीम इंडिया में मौका नहीं मिला, यानी दिलीप ट्रॉफी खेलने का मौका नहीं मिला। जहां पर एक तरफ सभी खिलाड़ियों को मौका मिला है, वहां पर इन 5 खिलाड़ियों को इग्नोर किया गया। यही जवाब जो है सब लोग ढूंढ रहे हैं कि क्यों इन 5 खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया गया। अब आप कमेंट्स करके बताइए इन 5ों में से सबसे ज्यादा बुरा आपको किसके लिए लग रहा है, किसके लिए लग रहा है कि भैया ये होते तो शायद कुछ और मजा आ जाता। कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन कर